हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, आइए देखते हैं एक्सेल में खास क्या है। यहां से मैं एक्सेल को ओपन करता हूं, ठीक है। एक्सेल का चाहे आप कोई भी वर्जन यूज करते हो, फिलहाल मैं यहाँ पे 2007 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे कोई भी वर्जन यूज करते हो तो उसमें दिक्कत क्या आती है जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि इनेबल फिल हैंडल एक्सेल में पाया जाता है, तो उसके चलते अगर आप इस तरीके से कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 2 का टेबल लिखना चाहते हैं, तो 2 के बाद 4 लिखते हैं और 4 के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं। देखिएगा नीचे ये ड्रैग कर रहा हूँ, ये 2 की टेबल बनती चली आती है, ठीक है। इसी तरीके से जो भी अनुक्रम यहाँ पे देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने संडे दिया, ठीक है, और फिर संडे देने के बाद यहाँ पर इसको सीधा ड्रैग कर देंगे। ये तो इनेबल फिल हैंडल है, तो यहाँ पे अगर सीधा इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे की तरफ, तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे ये सब अपने आप आता चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मंथ में भी हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर हम यहाँ पर ABCD लिखना चाहें, तो यहाँ पे A लिखा, यहाँ पे B लिखा, ये क्रम हमने बता दिया, इन दोनों को सेलेक्ट किया, फिर नीचे ड्रैग करते हैं, तो ये देखेंगे कि फिर ये वापस ABABABAB करके आता चला जा रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका क्या उपाय है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए ये जनरली ऐसे तो हो नहीं पाएगा, तो आपको करना क्या होगा, इसमें एक फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, मैं आपको दिखाता हूं कि ये फॉर्मूला किस तरीके से लगाया जाएगा। यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं, इरेज कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं, ये डिलीट कर दिया। अब आपको करना क्या है, यहां पर इज इक्वल टू लगाना है और कैर, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैर लगा लीजिएगा, कैर लगा लिया। अब क्या करना है, यहां पर रो लगा लीजिएगा, ROW रो, ठीक है। और यहां पे लिखिएगा A, ठीक है, कैपिटल A लिख देता हूं और यहां लिख देता हूं 65। और यहां पर क्या करना है, आपको एंटर प्रेस करना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर A लिखा हुआ आ गया है। अब यहां पर क्या करना है, इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे BCDEFGH सब आता चला जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं, यहां पर आते हैं, यहां पर दूसरा लगाते हैं CHAR कैर, और फिर यहां पर RoW। तो यहां पे क्या करता हूं मैं, 90 स्मॉल ए और यहां लिखिएगा 97, बस इतना करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर दीजिए। यहां पर स्मॉल ए भी आ चुका है और अब जब ड्रैग करवाएंगे आप इसको, तो यहां पर ये इस तरीके से आता चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो अच्छी लगेगी आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, जहां आपको नई ट्रिक्स सीखने को मिलती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।